दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप लोग का एक सवाल हमेशा होता है कि हीरो इलेक्ट्रिक की AE8 कब आएगी। हालांकि हमने हीरो की दूसरी गाड़ियाँ देखी है, लेकिन हमको वही रेट्रो लुक वाली स्कूटर कब देखने को मिलेगी। वेल दोस्तों उसके ऊपर एक छोटा सा अपडेट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों वीडियो को पूरा आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प दो अलग एंटिटी है, दोनों के CEO अलग है, दोनों कंपनी अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ पार्ट शेयर नहीं करता, कुछ भी शेयर नहीं करता। तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प समझ के हीरो इलेक्ट्रिक की गाड़ी ले रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक एक अलग ही कंपनी है, उसका कोई भी कंप्लेन लेके आप हीरो मोटोकॉर्प जाओगे तो वहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। चलिए इसके आगे आप बात करते हैं कि AE8 कब आएगी और क्या रहेंगे इसके स्पेसिफिकेशन। सबसे पहली चीज़ तो देखने में काफ़ी सिंपलिस्टिक है और ये लो स्पीड स्कूटर है। अब लो स्पीड स्कूटर मतलब होता है 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगी। जहाँ 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होती है, ना ही इसमें आपको रजिस्ट्रेशन लगता है, ना ही आपको इसमें लाइसेंस लगता है। हालांकि इस गाड़ी में अगर डिजाइन देखेंगे तो नियो रेट्रो स्टाइल में आती है और इस गाड़ी को शोकेस किया गया था 2020 के ऑटो एक्सपो में। इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है फ्रंट एंड रियर में, जो कि बहुत अच्छा लुक वाइज भी है, क्योंकि इसके जो व्हील्स है वो काफी अच्छी जस्टिफाइड करते हैं इस गाड़ी के डिजाइन को। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है, फ्रंट एप्रन में आपको यूनिक लुक हनीकॉम डिजाइन देखने को मिलता है LED में, LED DRLs है, LED हेडलाइट है, USB चार्जर दिया गया है, राउंड क्रोम इसके मिरर देखने को मिलते हैं एंड कन्वेंशनल की देखने को मिलती है। यस कन्वेंशनल की है इसमें, टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में, डुअल सस्पेंशन सेटअप रियर में, हब मोटर आपको देखने को मिलता है 250 वॉट का, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। इस गाड़ी का जो ड्राइव वेट है वो 72 kg है इसका ड्राइव वेट। यहाँ पे इस गाड़ी में वॉक असिस्ट एंड रिवर्स मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलता है एंटी थेफ्ट एंड स्मार्ट लॉक का फीचर्स। प्राइस की बात करें तो आफ्टर सब्सिडी सब कुछ मिला के, स्टेट सब्सिडी हटा के भी 55,000 की आपको ये गाड़ी पड़ेगी इंडियन रोड पे। और यहाँ पे सब कुछ अगर हटा दे तो 55,000 में सबसे बेस्ट आपको ये गाड़ी देखने मिलती है, क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक है, डिजाइन बहुत अच्छी है, लुक भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी देखने मिलती है। आप लोग का एक कहना होगा कि भाई इसका रेंज तो आपने बताया नहीं। वेल 80 किलोमीटर का रेंज है विद अ सिंगल चार्ज इन अ इको मोड। और अब बात आती है कि लॉन्चिंग कब होगी, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर वीडियो में। तो ये लॉन्च होगी जनवरी 2022 में। दिसंबर में लॉन्च हो रही है AE47, जनवरी में AE8, AE की दो तीन और है स्कूटर, वो भी लॉन्च होगी, एक साथ ही लॉन्च होगी। तो बस इतना ही अपडेट था इस गाड़ी के ऊपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, अच्छा तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।